फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े प्लेबैक सिंगर के बेटे ने उनके पिता पर ही दिया बयान। इस बेटे का कहना है कि मुझे काम इंडस्ट्री में इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं एक बड़े बाप का बेटा हूँ। ये और कोई नहीं बल्कि कुमार सानू का बेटा जान कुमार सानू है। जान कुमार सानू अपने पिता से बचपन से ही अलग ही रह रहे थे। कुमार सानू ने अपनी वाइफ रीता को 90s में ही तलाक दे दिया था और तब कुमार सानू ने किसी और से शादी कर ली। अब जान कुमार सानू जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में म्यूज़िक फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं। और जान कुमार सानू हर बार अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें औरों से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जान कुमार सानू ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि एक आउटसाइडर के बनिस्बत उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ रहे हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इसके पीछे कारण यह है कि वो कुमार सानू के बेटे हैं तो लोगों को लगता है कि यह सुविधाओं के साथ पैदा हुआ है। ही इज़ बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, इसीलिए वो इंडस्ट्री में ना किसी को कुछ कह सकते हैं और ना ही खुद के बारे में कुछ कह सकते हैं। जान ने यह भी कहा कि लोग मेरी मदद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुमार सानू का बेटा है, इसे किस चीज़ की कमी होगी। लोगों ने बिना गाना सुने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं ऑडिशन देता था लेकिन लोग कहते थे कि इसे नहीं किसी और को भी चांस देना चाहिए, ये तो कुमार सानू का बेटा है। जान ने कहा कि इस तरह की बातें सालों तक मेरे खिलाफ ही काम करती रही है। मैं इन सब परिस्थितियों से लड़ता रहा हूँ और हर समय इनसे लड़कर आगे बढ़ा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अब अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री में आम लोगों की तरह ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है और तो और मुझे उनसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मैं कुमार सानू का बेटा हूँ। आपको बता दें कि कुमार सानू से जान कुमार सानू के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं जैसा कि इन्होंने सामने दिखाया है। पीछे क्या है इसकी सच्चाई नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मीडिया की बात करें तो मीडिया में यही है कि दोनों की आपस में जमती नहीं है। जान कुमार सानू ने पिता को लेकर कई बयान दिए कि कैसे पिता ने कभी उन्हें रिकमेंड नहीं किया, काम में मदद नहीं की और पिता ने उन्हें तब छोड़ दिया था जब जान कुमार सानू की मदर प्रेग्नेंट थी। तो कड़वाहट जो है वो शुरू से ही बचपन से ही रही है इनके अंदर इनके पिता के खिलाफ।